আপনারা দেখছেন নন্দীগ্রাম লাইভ হয়ে সৌরভ দাসের সঙ্গে প্রদীপ কুমার গালের নিউজ। মধু যেটা বলছে ওর হাতে মেরে सर आप देखा क्या बोलेंगे? चुप करो सर आप रो रहा है क्या बोलेंगे? ओके সাইকেল হ্যাঁ টেবিল সব সব শ্যামা সুন্দর কেন্দ্র হয়েছে তারই কিছু নমুনা আমরা আমাদের সামনে তুলে ধরছি আমাদের ক্যামেরা চালানো হচ্ছে ঠিক সেখানে কিন্তু রাজ্যপাল নিজে পৌঁছচ্ছেন তুমি দেখতে পাচ্ছ রাজ্যপালকে দেখে কিন্তু গ্রামের মানুষ যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকে এগিয়ে আসছেন তারা তার পা ধরছেন পা ধরে বলছেন তুমি দেখতে পাচ্ছ এই মুহূর্তে দেখাচ্ছি প্রচুর মানুষ তারা রাজ্যপালকে খানিকটা হলে কিন্তু আশ্বস্ত হয়েছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি দেখে নিয়ে একজনের বাইকে তিনি সওয়ারি হয়েছেন আমরা যেরকমভাবে দেখতে পাচ্ছি এবং বাইকে সওয়ারি হয়ে তিনি এই যে কেন্দামারির যে অঞ্চল সেই অঞ্চল কিন্তু তিনি ঘুরে দেখছেন।
सर 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 ऊपर से गिर सकते हैं পুরো মানুষের বাড়ি থেকে জানিয়ে দিয়েছে তো এই বাড়ি सोच नहीं सकता घर में बम का उपयोग, बम से घर को डिस्ट्रॉय करना, किसी पुलिस का न आना, प्रशासन का न आना, वेयर आर वी हेडिंग, कल्पना नहीं कर सकता। स्वतंत्र भारत में यह सीन देखना पड़ेगा। पैदल चल कर आया हूँ 1 किलोमीटर, विश्वास नहीं होता था कि वोट देने की कीमत इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, प्रांत कोविड की चपेट में है और उतनी बड़ी चपेट पोस्ट पोल वायलेंस की है, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए, उनका दिल पसीजना चाहिए। जहां भी जाता हूं कहते हैं लोग तो भग गए, बचे वो हैं जिनका सर फोड़ दिया हो, चोटग्रस्त हैं। इस प्रकार के भयावह स्थिति की कल्पना नहीं की थी। आकलन के अनुसार लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं,
ये कैसी व्यवस्था है जहां कुछ लोग चैन की नींद सोते हैं, न पुलिस का डर, न प्रशासन का डर, न मुकदमे का डर, और दूसरे लोग हैं जिनकी नींद आराम हो रही है, उनको प्रशासन से डर लगता है, पुलिस से डर लग सकता है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। ये ठीक नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का प्रथम सेवक हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा है, कोविड से लड़िए, पोस्ट पोल वायलेंस से भी लड़िए, लाखों लोगों के दुख को समझिए, उनकी पीड़ा समझिए, और सर पर हाथ रखकर मत बैठिए। हम इतिहास के बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। इतना पोस्ट पोल वायलेंस भारत ने कभी नहीं देखा है, और पोस्ट पोल वायलेंस का आधार चुनाव में वोट देना, चुनाव में मन के मुताबिक भागीदारी होना, ये बर्दाश्त नहीं है। अब तक उन्होंने क्या कदम उठाया मुझे नजर नहीं आता है, कंपेंसेशन का, रिहेबिलिटेशन का, जिन्होंने दुष्कर्म किया, जो अपराधी हैं, बम से घर को तोड़ते हैं, आग लगाते हैं, मकान को डिस्ट्रॉय करते हैं, लोगों को चोटग्रस्त करते हैं, महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उन पर कुछ तो करो, क्या वो रहम के लायक नहीं है? पश्चिम बंगाल का ये भयावह दृश्य जब देखता हूं, मेरा दिल कांपता है, मैं बहुत दुखी हूं। इसीलिए 1 किलोमीटर ज्यादा चलकर आया। मैं कल्पना नहीं कर सकता वोट देने की वजह से बम से घर को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ठीक है।